Hello, today we will learn about template. Template is a basically powerful feature which is added to C++. इसका use basically हम लोग generic programming के लिए करते हैं. तो generic programming मतलब जैसे मान लो अगर हमें एक sorting के लिए program लिखना है, ठीक है. So suppose we are writing bubble sort program. तो उसमें जैसे हम array pass करते हैं तो the array में हम data type mention कर देते हैं. मतलब either the sort method will sort integer type of element or it will sort float type of element or character type of element. ठीक है, तो ये जो हम करते हैं ये एक मतलब special data type के लिए होता है. तो हर एक data type के लिए हमें अलग से function लिखना पड़ेगा, या तो मतलब हम लोग function overloading के concept का use कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम एक जनरल वर्जन लिखेंगे विच विल वर्क फॉर ऑल द डेटा टाइप्स. लाइक एक सॉर्ट फंक्शन हम लिखेंगे जिसमें हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि जो एरे हम पास कर रहे हैं विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज बीइंग पास्ड. ठीक है, तो द प्रोग्राम मीन्स जो सॉर्टिंग टेक्निक है इट कैन वर्क फॉर इंटीजर एज वेल एज फॉर फ्लोट फ्लोट एंड फॉर कैरेक्टर ऑल्सो. तो जब हम मतलब फंक्शन को कॉल करेंगे तो एज पैरामीटर हम उस डेटा टाइप को पास कर देंगे कि किस डेटा टाइप के ऊपर हमारा सॉर्टिंग फंक्शन काम करेगा. सो दैट इज बेसिकली अ जेनेरिक प्रोग्रामिंग. एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग में हम जेनेरिक क्लास और जेनेरिक फंक्शन का यूज करते हैं. जैसे मैं जो एग्जांपल बता रही थी सॉर्टिंग फंक्शन का, तो दिस इज बेसिकली अ जेनेरिक फंक्शन क्योंकि हम इस पे पर्टिकुलर कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, इट कैन वर्क फॉर इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर एटसेट्रा. तो जो भी डेटा टाइप हम पास करेंगे एज पैरामीटर वो उसी के लिए वर्क करेगा. ठीक है ना, तो ये हो गया जेनेरिक फंक्शन. एंड जेनेरिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम लोग टेम्पलेट का यूज करते हैं. ठीक है, तो टेम्पलेट इज बेसिकली अ कीवर्ड इन C++ जिसके थ्रू हम जेनेरिक फंक्शन और जेनेरिक क्लास क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे मैं बताई कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो कि ये हमारा जो टेम्पलेट है इट कैन बी आइदर अ फंक्शन टेम्पलेट और इट कैन बी अ क्लास टेम्पलेट. ठीक है, तो फंक्शन टेम्पलेट का एग्जाम्पल जैसे जो मैं बता रही थी सॉर्टिंग फंक्शन जो विच कैन सॉर्ट डिफरेंट डेटा टाइप, इंटीजर को भी कैरेक्टर को भी सॉर्ट कर सकता है. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन टेम्पलेट. सिमिलरली मान लो एक एड फंक्शन है, तो जो एड फंक्शन हम लोग लिखे तो एड फंक्शन कैन एड इंटीजर, इट कैन एड फ्लोट, इट कैन एड डबल. ठीक है, या तो मान लो एक मैक्सिमम नाम का हम फंक्शन बना रहे विच कैन फाइंड द मैक्स बिटवीन टू इंटीजर और इट कैन फाइंड मैक्स बिटवीन टू डबल और इट कैन फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू कैरेक्टर. तो बेसिकली यहाँ पे हम जो सोच सकते हैं कि दिस कैन बी डन यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग ऑल्सो. तो ये बेसिकली एक टाइप का फंक्शन ओवरलोडिंग तो है, लेकिन देखो क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग में, जैसे हमें पता है कि फंक्शन का नाम सेम होता है एंड पैरामीटर हम डिफरेंट पास करते हैं. ठीक है, तो यही काम अगर हमें फंक्शन ओवरलोडिंग से करना है तो जो मैं सॉर्टिंग का एग्जांपल बता रही थी कि बबल सॉर्ट करना है तो वी हैव टू राइट 3 डिफरेंट बबल सॉर्ट फंक्शन फॉर 3 डिफरेंट डेटा टाइप. मतलब इंट के लिए एक बार लिखेंगे, ठीक है, और डबल के लिए एक बार लिखेंगे, कैरेक्टर के लिए एक बार लिखेंगे, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा. लेकिन जब हम टेम्पलेट का यूज करेंगे सिंस वी आर क्रिएटिंग जेनेरिक फंक्शन तो हम एक ही जनरल फंक्शन लिखेंगे. हमें 3 डिफरेंट डेटा टाइप के लिए 3 अलग अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होगा. और उस को जब हम कॉल करेंगे ना तब वी विल पास द डेटा टाइप एज आर्ग्यूमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन दैट द सॉर्टिंग फंक्शन विल वर्क अकॉर्डिंगली. तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा काम कम हो गया, 3 फंक्शन की जगह हमें सिर्फ एक ही फंक्शन लिखना पड़ रहा है इफ वी आर यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट. ठीक है, और एक तो ये हो गया. दूसरी बात ये है कि अगर जो फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं ना फंक्शन ओवरलोडिंग में द बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफरेंट, एक ये भी है, लेकिन टेम्पलेट में जो बॉडी है दैट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एरिया नाम का फंक्शन लिख रहे हैं तो एरिया फंक्शन जो है इट कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इट कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल एटसेट्रा. तो सारे जो ये एरिया फंक्शन होगा
इसके जैसे पैरामीटर अलग होगा, एट द सेम टाइम बॉडी भी अलग होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट हम डिफरेंट फॉर्मूला से करेंगे, स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला है, सर्कल के लिए भी हम लोग अलग फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दिस कैनॉट बी अचीव थ्रू फंक्शन टेम्पलेट, क्योंकि फंक्शन टेम्पलेट में सिर्फ डेटा टाइप अलग हो सकता है बट बॉडी विल रिमेन सेम। तो इन दैट केस में वी हैव टू यूज फंक्शन ओवरलोडिंग। बट जो मैं पहला एग्जाम्पल बताई कि सॉर्टिंग वाला, वहां पे ऑब्वियसली फंक्शन टेम्पलेट विल बी अ बेटर ऑप्शन। तो जैसे फंक्शन टेम्पलेट होता है वैसे ही क्लास टेम्पलेट का भी कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक क्लास बना रहे हम एरे के लिए, तो द एरे का डेटा टाइप हम उसमें स्पेसिफाई कर देंगे कि इट विल बी आइदर एन इंटीजर एरे और अ फ्लोट एरे और अ कैरेक्टर एरे। लेकिन अगर वो क्लास टेम्पलेट है तो वहां पे हम एरे का डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे। इट कैन वैरी, मतलब एक ही क्लास रहेगा, इट कैन वर्क ऑन इंटीजर एरे एज वेल एज फ्लोट एरे एंड एज वेल एज डबल और कैरेक्टर एरे, ठीक है। तो किस टाइप का एरे बनेगा वो हम स्पेसिफाई करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वहां पे हम पर्टिकुलर डेटा टाइप को मेंशन कर देंगे कि हमारा एरे किस टाइप का होगा, बट एक ही क्लास होगा जो कि सारे अलग अलग डेटा टाइप के ऊपर वर्क कर पाएगा इफ वी आर यूजिंग क्लास टेम्पलेट। तो जैसे यहाँ पे मैं बताई फंक्शन टेम्पलेट के बारे में, तो वही यहाँ पे मेंशन है कि जो जेनेरिक फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फंक्शन टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम लोग टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करेंगे, और जो भी हमारा पैरामीटर है, मतलब वो जो जैसे हमारा सॉर्टिंग का जो फंक्शन है वो किस टाइप की डेटा के ऊपर वर्क करेगा, तो वो डेटा टाइप विल बी पास्ड एज अ पैरामीटर। सो नाउ हियर वी कैन सी द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। जैसे नॉर्मल फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा सिंटैक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन से है ना, इतना बस देखो, रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट। लाइक अगर हमें दो नंबर ऐड करना है, ठीक है ना, और जो ऐड करके रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंट ऐड, और उसमें हम पास करेंगे इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर हम यही काम टेम्पलेट फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट लाइन हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। हम लोग क्योंकि टेम्पलेट बना रहे हैं तो वी विल यूज द टेम्पलेट कीवर्ड, एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें आइदर लिखना है टाइप नेम और क्लास। टाइप नेम इज ऑल्सो अ कीवर्ड लाइक क्लास, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेम्पलेट, फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे टाइप नेम टी और क्लास टी। तो ये जो टी टाइप है ये कुछ नहीं, बेसिकली एक प्लेस होल्डर है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी हूँ। देखो टी टाइप क्या है, प्लेस होल्डर का नाम है विच विल बी रिप्लेस्ड बाय द डेटा टाइप। जैसे अगर हम इंट पास करेंगे तो वो इंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टी टाइप की जगह कोई भी एक वेरिएबल का नाम देना है विच विल बी रिप्लेस्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप व्हाइल द फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये लाइन हमारा नया है, ये फर्स्ट वाला लाइन। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट देंगे, एंड आफ्टर दैट ब्रेसेस के अंदर वी विल डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो कीवर्ड बताए, एक टाइप नेम और अनदर इज द टेम्पलेट कीवर्ड। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन अ फंक्शन टेम्पलेट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी example of function template. Thank you.